कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की डगर क्या मुश्किल है? क्या बीजेपी की विजय रथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक पाएगी कांग्रेस? और कांग्रेस नेता शशि के बयान में कितना दम? नमस्कार, मैं हूं खुशी राणा, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। मोदी सरने मामले में उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। दूसरी ओर 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है और वह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किलों में फंस सकती है। अब इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। शशि थरूर ने रविवार को कहा कि अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष होते तो 2024 की आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए छोटे दलों को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने के लिए प्रोत्साहित करते। मैं वास्तव में छोटे दलों में से एक को विपक्षी गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मेरे विचार से एकता की जगह गौरव कई अधिक महत्वपूर्ण है। थरूर ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि एकजुट होकर हम खड़े रहेंगे और अलग अलग होकर गिर पड़ेंगे, कि कहावत की सच्चाई विपक्षी दलों को महसूस होनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि करीब 200 सीटों पर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। थरूर ने यह भी कहा कि कई विपक्षी दलों को एकता का फॉर्मूला समझ में आने लगा है। इस दौरान थरूर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में भी बात करते नजर आए। राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराए जाने के मामले को लेकर कहा कि 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के विषय में विपक्षी एकता की आश्चर्यजनक लहर उत्पन्न की है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में अपने राज्यों में कांग्रेस का विरोध किया, जिसमें दिल्ली में आप, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल है, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, केरल में सीपीआईएम उनके समर्थन में आ गए हैं। थरूर के अनुसार अधिकांश विपक्षी दल अब एक समान उद्देश्य के तहत एकजुट हो गए हैं और वोट बंटवारे से बच रहे हैं, और भाजपा को आगामी 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल करने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये तो रहा शशि थरूर का दावा। चलिए अब थोड़ी बात भाजपा और एनडीए की करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए विपक्षी एकता को एक खतरे के रूप में खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि नेता केवल अपने राज्यों में भाजपा से लड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी कितनी बहुमत से जीत हासिल करती है और साथ ही विपक्ष को एक करारा जवाब देती है। बीजेपी का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रचंड बहुमत हासिल कर फिर एक बार केंद्र में सरकार बनाएगी। अब 2024 में क्या होगा और किस तरह के चुनावी परिणाम सामने आएंगे, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव से पहले ही दावों और वादों का दौर शुरू हो चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साउथ ब्लॉक डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।